घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। पश्चिम बंगाल में अभिनेत्रियों के आगे मोदी की सुनामी भी फीकी ही दिखाई दी। पश्चिम बंगाल की वीर भूमि लोकसभा सीट पर बंगाल की मशहूर अभिनेत्री और टीएमसी की सांसद शताब्दी राय ने भाजपा को पछाड़कर लोकसभा चुनाव जीत लिया। शताब्दी राय ने 88,924 वोटों के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में परास्त किया है। शताब्दी के अभिनय के साथ राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। 2009 में वो टीएमसी के टिकट में पहली बार लोकसभा सांसद बनी। 2009 में पश्चिम बंगाल के वीरभूम निर्वाचन क्षेत्र से शताब्दी ने ये जीत हासिल की। इसके बाद शताब्दी ने 2014 में भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट से दोबारा इसी क्षेत्र से जीत दर्ज की और 2019 में वीरभूमि से ही अपनी जीत के साथ शताब्दी ने हैट्रिक लगा ली है। शताब्दी फिल्मों में अभिनय के साथ निर्देशन में भी किस्मत आजमा चुकी है। हालांकि निर्देशक के रूप में वे कभी सफल नहीं हो सकी, जिसके लिए उन्हें लोगों की निंदा का भी सामना करना पड़ा। शताब्दी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में तपन सिन्हा की बहुप्रशंसित बंगाली फिल्म अटंका से की थी। अपनी इस पहली फिल्म के लिए उन्हें 1987 में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के BFJE अवार्ड दिया गया। इससे पहले उन्होंने दीन द्वारा निर्देशित टीना नामक फिल्म में काम किया था, लेकिन इसे भी कभी जारी नहीं किया गया। 1986 में ही तपन साहा की अमर बंधन में तापस पॉल के साथ अभिनय करने के बाद शताब्दी स्टारडम की ओर आगे बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। शताब्दी अभिनय और राजनीति के अलावा समाज सेवी के तौर पर जानी जाती हैं। शताब्दी अपने ही नाम से एक फाउंडेशन चलाती है। अपनी शूटिंग और राजनीति से कुछ खाली समय निकाल कर वे शताब्दी फाउंडेशन में अभिनय का प्रशिक्षण भी देती हैं और साथ ही अपने परिवार को भी वो समय देती हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.